दोस्तों 23 दिसंबर 2003 को एक लॉ इफेक्ट में आता है जिसमें ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को एबॉलिश करके न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस को लाया जाता है, जिसे आगे चल के नेशनल पेंशन सिस्टम के नाम से रिनेम कर दिया जाता है। इस रूल के अंदर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 1 जनवरी 2004 के बाद से कोई भी गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करेंगे उन्हें न्यू पेंशन स्कीम के तहत काम करना पड़ेगा आर्म्ड फोर्सेस को छोड़कर। अब कई सरकारी कर्मचारी इस एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के आने से खुश नहीं हैं, और खास करके वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद से कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की है और तब से लेकर आज तक समय समय पर और जगह जगह इन सरकारी कर्मचारियों के प्रोटेस्ट देखने को मिलते रहे हैं, और हर बार इनकी एक ही डिमांड रहती है कि ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से रिस्टोर किया जाए। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये इतना आसान नहीं है, इनफैक्ट ये तो लगभग इम्पॉसिबल है। तो क्या है ये एनपीएस और कैसे अलग है ये ओल्ड पेंशन स्कीम से, और इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं, और सबसे ज़रूरी सवाल कि आखिर क्यों ऑल ओवर इंडिया में इसे वापस से इम्प्लीमेंट करना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग कुछ इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम, और चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को गहराई से। और हम आने वाले समय में भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम पूरा मोबिलाइजेशन करके भारत बंद करने का भी काम करेंगे। Now seeking OPS, 17 lakh Maharashtra government employees are going to be striking today onwards. Returning to OPS is probably going to be extremely impossible. तो सबसे पहले तो चलिए समझ लेते हैं कि आखिरकार ओपीएस और एनपीएस में डिफरेंस क्या है। तो ओपीएस के अंदर एक सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसकी लास्ट सैलरी का 50% एज अ पेंशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और इस पेंशन अमाउंट में टाइम टाइम पर सर्टेन अलाउंसेस जैसे कि डीए भी जोड़े जाते हैं। ओपीएस के अंदर अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो लाइफ टाइम उसकी पेंशन इंश्योर की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। अब बात करें अगर एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम की, तो ये एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जो कि पहले केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ही थी, बट 1 मई 2009 के बाद से इसे इंडिया के हर एक नागरिक के लिए खोल दिया गया, जिसमें 18 से लेकर 65 साल तक के सभी इंडियन सिटीजन्स एक स्पेसिफिक अमाउंट हर महीने अपने पेंशन अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, और बाद में ओल्ड एज के समय ये अमाउंट उन्हें वापस मिल जाएगा अलोंग विद इंटरेस्ट। अब अगर स्पेसिफिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात की जाए तो हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपनी ग्रॉस सैलरी से हर महीने लगभग 10% का अमाउंट सेव करके एनपीएस अकाउंट में डालना पड़ेगा, और गवर्नमेंट भी उसकी सैलरी का 14% जितना अमाउंट अपनी तरफ से उसमें ऐड करेगी। अब इन दोनों ही अमाउंट को ऐड करके स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट में लगाया जाएगा, और आफ्टर रिटायरमेंट टोटल अमाउंट का लमसम 60% वो पर्सन इमीडिएटली रिसीव कर सकता है, और रिमेनिंग 40% एन्युटी के तौर पर उन्हें दिया जाएगा। तो यहाँ से तो आप समझ ही सकते हैं कि क्यों सरकारी कर्मचारी इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ओपीएस को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। चलिए अब जरा समझ लेते हैं कि क्यों ओपीएस को वापस लाना मुश्किल है। तो पहली बात तो इसके कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि पहला डिसएडवांटेज है कि ओपीएस के अंदर हर साल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता ही चला जाता है, कम नहीं होता। ये बिल्कुल एक टाइप की ट्रांसफर पेमेंट की तरह है जो कि सरकार के द्वारा दी जाती है, मतलब कि इन पेमेंट्स के बदले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज किसी भी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, और इसीलिए ये पेमेंट्स ना तो सरकार के एसेट्स यानी कि संपत्ति को बढ़ाती हैं और ना ही कर्ज यानी कि लायबिलिटीज को कम करती हैं। फैक्ट्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अगर सभी राज्यों को मिला के देखा जाए तो लगभग 4.63 लाख करोड़ रुपीस ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। अगर सभी राज्यों का कंबाइंड बजट देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बजट लगभग 60 लाख करोड़ रुपीस है, जिसमें से आज भी लगभग 4.63 लाख करोड़ रुपीस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत दिया जाता है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम को एबॉलिश किए हुए आज लगभग 20 साल होने वाले हैं। तो सोचिए जरा कि अगर आज ओल्ड पेंशन स्कीम एबॉलिश ना की जाती तो इसके पीछे हर साल गवर्नमेंट को कितना खर्च करना पड़ता, और अगर 60 लाख करोड़ में से 15 से 20 लाख करोड़ अगर पेंशन में ही जाएगा तो एजुकेशन, हेल्थ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फूड एंड डिफेंस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कम पैसा जा पाएगा, जिसकी वजह से हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और फिर बाद में लोग बोलेंगे
ये सरकार तो कुछ डेवलपमेंट ही नहीं करती। अब ओल्ड पेंशन स्कीम का दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की संख्या भी बढ़ेगी, और ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का मतलब कि सरकार को ज्यादा पेंशन देनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन तो लगातार बढ़ ही रहा है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट को अलाउंसेस जैसे कि डीए वगैरह में भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तीसरा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इसकी वजह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है। अकॉर्डिंग टू 2020 इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स की है, और ध्यान रखिए ये मैं एवरेज बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि 60-62 की एज में रिटायर हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली 85-90 साल के बीच में उसकी डेथ हो जाती है, तो गवर्नमेंट को 25-30 साल उसे पेंशन देनी पड़ेगी अलोंग विद ऑल अलाउंसेस। तो अब आप देख सकते हैं कि कितने सारे डीमेरिट्स हैं इसके। अब कई लोग सोचेंगे कि कई राज्य जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में तो सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से रिस्टोर कर दिया है, और वेस्ट बंगाल ने तो कभी एनपीएस को अडॉप्ट ही नहीं किया, तो इन राज्यों का क्या, ये कैसे चलते हैं? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में वेस्ट बंगाल की टोटल रेवेन्यू बोरोइंग को हटा करके लगभग 1,94,000 करोड़ रुपीस थी, और अगर इसका पेंशन एक्सपेंडिचर देखा जाए तो ये लगभग 25,494 करोड़ रुपीस था। मतलब कि रेवेन्यू का लगभग 13% अमाउंट तो फ्री में ही बढ़ जाता है, जो कि एक काफी बड़ा अमाउंट होता है, और इसका इम्पैक्ट हम लोग वेस्ट बंगाल में क्लियरली देख सकते हैं। इनफैक्ट कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, वहां पर भी सैनिटेशन फैसिलिटीज, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो कि वहां की एक मेजर प्रॉब्लम है। और इन सभी स्टेट्स में ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस रिस्टोर किए जाने के पीछे सबसे बड़ा पॉलिटिकल रीजन है, ये सीधे सीधे पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। पहले तो अपोजिशन पार्टी पावर में आने के लिए अपने मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस करती है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करेंगे, और सरकार बनने के बाद ये लोग अपना प्रॉमिस पूरा भी कर देते हैं, लेकिन इन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि इकोनॉमी कहाँ जाएगी, इन्हें तो बस कुर्सी से मतलब है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम बिल्कुल भी एक सस्टेनेबल स्कीम नहीं है, और इसीलिए आप आने वाले कुछ सालों में देखेंगे कि इन स्टेट्स को वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम को एबॉलिश करना ही पड़ेगा, वरना और भी कई प्रॉब्लम राइज हो जाएंगी। अब आप ही सोचिए कि अगर कुछ स्पेसिफिक स्टेट में ही ओपीएस का प्रोविजन होगा तो लोग ऑल ओवर इंडिया से इन स्टेट्स में माइग्रेट करेंगे इन सर्च ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि अल्टीमेटली लोग तो ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहते हैं ना, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन देखने को मिलेगा। अब गवर्नमेंट जॉब में सीट्स तो लिमिटेड होंगी ना, ऐसा तो है नहीं कि जो जो आएगा सबको मिल जाएगी, तो इसकी वजह से वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी एक लार्ज स्केल में देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही अगर वहां पर ज्यादा लोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि रिसोर्सेज का कंजम्पशन भी ज्यादा होगा और इन्फ्लेशन भी काफी बढ़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इस ओपीएस के कितने सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और अगर अब इसके बावजूद भी किसी भी स्टेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाता है तो इसके पीछे प्योरली एक पॉलिटिकल माइंडसेट होगा। अब फ्रेंड्स, एट लास्ट मैं एमपीज और एमएलएस को भी क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि ये खुद ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत काम करते हैं। इवन इंडिया में अगर कोई भी पर्सन एक बार एमपी या एमएलए बन जाता है तो उसे पूरी लाइफ टाइम के लिए पेंशन बेनिफिट्स मिलते हैं, और तो और एक एमपी या फिर एमएलए जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टेन्योर सर्व करता है उतनी ज्यादा बार उसकी एग्जिस्टिंग पेंशन में एक सर्टेन अमाउंट ऐड किया जाता है, और ये प्रैक्टिस मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। इसके अलावा अगर कोई जज है जिसने एटलीस्ट 12 ईयर की सर्विस कंप्लीट की है तो वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसके अलावा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के सोल्जर्स भी ओपीएस के लिए एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों, एट लास्ट कंक्लूजन के तौर पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ओपीएस का मॉडल बिल्कुल भी सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, और ये गवर्नमेंट पर एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट करता है। तो इसीलिए एनपीएस मॉडल एक अच्छा मॉडल है और इसके बेनिफिट्स हमको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने और सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, और मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।